में चलते हैं लखनऊ। तो मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया था और मैं बैठ चुकी थी वेटिंग एरिया में अपने गेट के सामने, और फिर टाइम आ गया फाइनली फ्लाइट बोर्ड करने का। और मैंने कर लिया फ्लाइट बोर्ड और मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अकेले ही ट्रैवल रायपुर से लखनऊ। और क्यों कर रही हूँ आपको ये वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और अब कर रही है हमारी फ्लाइट टेक ऑफ। एक डेढ़ घंटे का सफर करके फाइनली वी आर एट लखनऊ। दो बैग और साथ में फोन मुझे संभाला नहीं रहा था, फिर मैंने किया अपने लिए कैब बुक और मैं पहुंच गई अपनी डेस्टिनेशन पे। वहां मिले हमें हमारे टिकट फॉर द मैप जिसके लिए हम आए थे। सो हम पहुंच चुके थे नवाबों के शहर लखनऊ, CSK वर्सेस लखनऊ का मैच देखने के लिए। लेकिन वहां के स्टेडियम पहुंच के हमको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम सच में लखनऊ में हैं। द क्राउड वॉज मैड फॉर माही सेम एज अस। लग रहा है कि चेन्नई के बाहर खड़े हैं, पूरा पूरा समंदर दिख रहा है, सब नजारा दिख रहा है, यही है धोनी की दीवानी और धोनी की फैंस हो रही है। मैच रहेगा ये लखनऊ और चेन्नई, देखिए यहाँ का पिच तो बॉलर फ्रेंडली लेता रहता है, ज्यादातर स्पिनर्स मदद रहता है, 150-160 का मैच होगा। लेकिन चेन्नई का स्पिनर ज्यादा मजबूत है तो चांसेस है कि CSK का क्वार्टर भारी आगे से धोनी की अगर बल्लेबाजी आई जबरदस्त। फिर हमने भी अपनी टिकट्स ली और अपना गेट नंबर ढूंढा और हम चले गए स्टेडियम के अंदर। हम में से कुछ लोगों का गेट नंबर अलग था, कुछ लोगों की सीट्स अलग थी, लेकिन मैं तो अकेले ही अंदर चली गई थी फटाफट से, क्योंकि मुझसे तो बिल्कुल भी वेट नहीं किया जा रहा था मैच देखने के लिए। तो मैं थोड़ा पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन मुझसे भी पहले काफी सारे लोग अंदर आ चुके थे ऑलरेडी। और फिर स्टार्ट हो गया मैच जिसमें पहले बैटिंग करनी थी CSK को। और इस बार जो हमें सीट मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आ था, सो थैंक यू स्टार फॉर दिस। फिर मैच देखते देखते हमने पहले थोड़े बहुत स्नैक्स एंजॉय किए वहाँ पे। वैसे जितना ऑप्शन कोलकाता में जब हम मैच देखने गए थे तब खाने का था, लखनऊ में उससे आधा भी था। लखनऊ में ज़्यादा कुछ खाने के ऑप्शन ही नहीं थे स्टेडियम पे। CSK पूरे IPL के इतिहास में इकलौती ऐसी टीम है जिसके उसी के प्लेयर्स आउट होने में उसी के फैंस खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसी के बाद हमें मिलता है मौका ये सीन देखने का जो भी स्क्रीन पे है, यानी कि माही की एंट्री। और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरा क्राउड माही के बैटिंग के टाइम ना सबके सब मैच खड़े होके देख रहे थे। जितने देर उन्होंने बैटिंग की हम सब खड़े खड़े देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा मौका ही नहीं दिया कि हम बैठें, क्योंकि चौके छक्के लगे जा रहे थे, तो हमें बार बार चीयर करने के लिए उठना पड़ता। इससे अच्छा हम खड़े होके ही मैच देख लेते हैं, हमने सोचा।
और माही के बैटिंग के बाद सीएसके की बैटिंग होती है खत्म। उसके बाद शुरू होती है लखनऊ की बैटिंग, जिसके टाइम माहौल एकदम शांत हो गया था क्योंकि लखनऊ ने काफी अच्छी बैटिंग की और सीएसके को हरा दिया। बहुत क्लोज था मैच बट कोई बात नहीं, एटलीस्ट धोनी का बैटिंग तो आ गया। एंड एज वी ऑल नो उस दिन लखनऊ की जीत हुई, लखनऊ की होम ग्राउंड। और फिर हम भागते हुए चले गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, और ये नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी है ये हम आपको बताएंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, ओके बाय।